आज की रेसिपी के लिए हमने ले लिया है गार्लिक गार्लिक को हमें छील कर अच्छी तरह से काट लिया है यहाँ पे हमने पाँच से छः कली लहसुन को लिया है और यहाँ पे ले लिया है करी लिप्स और यहाँ पे हमने ले लिया है दो टमाटो और इसे भी बारीक चॉप कर लेना है आपको रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ले लिया एक आलू और एक आलू को भी हमने मीडियम साइज में काट लिया है यहाँ पर हमने ली है आधा किलो लौकी लौकी को हमने अच्छी तरह से छील कर काट कर पानी में धो लिया है आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में लौकी की झटपट से सब्ज़ी जो कि बनेगी बहुत ही स्वादिष्ट आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें तीन बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं आज हम लौकी की सब्ज़ी जो कि बनेगी बहुत ही जल्दी बहुत ही स्वादिष्ट सारे मसाले हम इसी में डालेंगे ताकि अच्छी तरह से रच बस जाएंगे और हमारी जो लौकी की सब्जी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आधा चम्मच आपको जीरा डाल लेना है तेल गर्म होने पर आधा चम्मच सरसों डाल देंगे हम राई जिसे कहते हैं इसके बाद हमने इसमें गार्लिक डाल दिया है कटा हुआ और गार्लिक जैसे ही आपका लाल हो जाएगा सारी चीज़ें चटक जाएंगी इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटो और करी लिप्स करेली इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे इसकी बिल्कुल ना करें जरूर डालिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो और दो टमाटर हमने काट कर डाल दिए हैं अब हम इसमें डालेंगे मसाले रेड चिली पाउडर डाला है हमने एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है हमने यहाँ पे दो चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच और इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला बहुत थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इसके बाद हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है टमाटर जब तक हमारे पक ना जाए आपको इसमें चम्मच चलाना है सारे मसाले भुन जाने चाहिए तो दो मिनट लगेगा हमने इसमें नमक डाल दिया नमक डालने से हमारे जो टमाटर है बहुत जल्दी गल जाते हैं और मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है इसके बाद हम फिर से इसमें चम्मच चलाएंगे अच्छी तरह से ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर हमारे मैश हो जाए तो दो मिनट में ही हमारे जो टमाटर है और मसाले भून के तैयार हो जाएंगे अब हम इसमें ऐड कर देंगे धुली हुई कटी हुई हमारी लौकी लौकी यहाँ पे हमने आधा के जी ली थी अभी हमने इसमें पहले आलू डाला है एक आलू जो काट के रखा था उसे डाल दिया है उसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे धुली हुई लौकी तो सारी लौकी हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे मेरा कुकर थोड़ा छोटा पड़ गया है और सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे मैंने दो छोटी कटोरी बहुत छोटी सी कटोरी है इसमें दो छोटी कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है वैसे तो लौकी अपना खुद का पानी छोड़ेगी इसमें फिर भी मैंने यहाँ पर दो छोटी कटोरी पानी डाला है ताकि हमारी सब्जी है जो जले ना और अब हम इसे ढक्कन लगा के तीन से चार सीटी लगा लेंगे तीन से चार सीटी लगने के बाद अब हम इसे खोल कर देखेंगे जब कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सी लौकी की सब्जी झटपट से बनके तैयार हो गई है बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से बना के प्रेशर कुकर में बहुत ही अच्छी बनती है इस तरह से अगर आप लौकी की सब्जी बनाएंगे ऊपर से हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक like जरूर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स